रहमान रहीम, देखिए जो वाकयात मस्जिद नबवी के बाहर वाकया हुए या उस वहाँ पे हरम शरीफ के हवाले से जो बात हो रही, देखो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान ख़ान साहब और दूसरे लोगों ने इसकी पुरजोर मजम्मत की, और कोई भी जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारे आखिरी नबी ज़माने उनसे मोहब्बत करते हैं वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान जो है वहाँ पे इस किस्म की बात करे या वहाँ पे ऊंचे आवाज़ में बात करे या किसी की बेहरमती करे, किसी के ऊपर नारे लगाए। ये हमारे पार्टी का नहीं, किसी का कल्चर भी ये नहीं हो सकता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे ने इसकी मुकम्मल वजाहत की है बार बार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी अपोजिशन है इमरान ख़ान की, वो एक बयानिया कायम करना चाहते हैं जिसके लिए वो बड़े अरसे से लगे हुए थे, लेकिन कि शायद उनके हाथ कोई बयानिया आ जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जो अवामी मकबूलियत है उसी मकबूलियत को कम करने के लिए उनके ख़िलाफ़ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाए। अब मजहबी हथकंडे कि वो उतरा है, लेकिन ये इस तरह के ऊंचे हथकंडों से किसी पार्टी की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम की सबसे मकबूल जमात है इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के आवाम जो है इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, जिसका सबूत जो है वो आज इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद में किसी मार्केट में आए थे तो आवाम का एक जम गफ़ीर उनके गिर्द उमड़ आया था। ये इस बात का सबूत है कि अवामी लोग, अवामी रहनुमा जो होते हैं, लोगों की पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो खुद ब खुद पता चलता है कि ये अवामी लीडरशिप है, ये पॉपुलर लीडरशिप है। और इमरान ख़ान इस वक्त मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल लीडरों में उसका शुमार होता है।